बसपा नेता को फंसाने का हो रहा है प्रयास, गहन जांच के बाद हो कार्रवाई, राहुल दुबे। गोदरमा गांव की घटना पर बसपा ने किया प्रेस वार्ता, कार्यकर्ताओं को फंसाने का लगाया आरोप। युवा बसपा नेता राहुल दुबे ने कहा कि विश्रामपुर नगर प्रशासन बेगुनाह बसपा का नेताओं कार्यकर्ताओं को फंसाने का प्रयास कर रहा है। नगर पालिका के सहायक नगर आयुक्त मोहम्मद परवेज पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर वरीय बसपा नेता नईमुद्दीन अंसारी का झूठी प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसका बसपा पार्टी घोर निंदा करती है। श्री दुबे रेहला के शिवांश रेस्टोरा में बसपा द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने गोदरमा गांव की घटना पर क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा कि वहां पिछले दिनों जो भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन उसके नाम पर निर्दोष लोगों को फंसाना भी निंदनीय है। घटना के दिन बसपा नेता नईमुद्दीन अंसारी घटना स्थल पर मौजूद भी नहीं थे, बावजूद उन पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। घटना के विरोध में जब विश्रामपुर में सड़क जाम हुआ था, तब पुलिस पदाधिकारियों द्वारा उन्हें फोन कर बुलाया गया और जाम हटाने में उनसे मदद भी ली गई। पुलिस पदाधिकारियों के आग्रह पर उन्होंने जमाकर्ताओं से वार्ता कर सड़क जाम को समाप्त कराया, फिर भी उन पर झूठा मुकदमा दायर किया गया जो बर्दाश्त के लायक नहीं है। राहुल दुबे ने वरीय पुलिस अधिकारियों से आग्रह किया कि पूरे मामले की निष्पक्ष से जांच कर जो दोषी उन पर कार्रवाई हो, लेकिन किसी निर्दोष को नहीं फंसाया जाए। अगर किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई होगी तो बसपा आंदोलन का रुख अख्तियार करेगा। प्रेस वार्ता में प्रवीण सिंह, कामेश्वर मेहता, ओम प्रकाश पांडे, डॉक्टर मंजुल्ला अंसारी, विजय यादव, राहुल ठाकुर, उस्मान अंसारी, शफीक अंसारी, गुड्डू शुक्ला सहित कई बसपा नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। राधा स्वामी संगठन को गढ़वा एवं पलामू जिले के सभी पंचायतों में एक एक व्यक्ति की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा कार्यालय है नवादा मोड़, माँ गायत्री हॉस्पिटल के बगल में, कचहरी रोड, गढ़वा। चुने गए लोगों को कार्य अनुसार मानदेय पर रखा जाएगा।